ये चेन्नई सेंट्रल से विजयवाड़ा जाने वाली जन शताब्दी है। दोनों गाड़ियां सेम ट्रैक पर है। आज के जमाने में जब 5 रुपए की चाय मिल जाती है ना, लिटरली स्ट्रेंज लगता है। एलगिरी ओके। इधर से भी पहाड़ियों का जो व्यू है ना, ऑसम है। और साथ में नारियल का पेड़, बगल में जाता हुआ रोड, और ट्रेन पर चलते हुए हम। गुड मॉर्निंग गाइस, राइट नाउ टाइम इज 7 o'clock एंड अभी मैं हूँ चेन्नई शहर में, क्योंकि आज हम यहाँ से ट्रेन बोर्ड करेंगे, जो कि पहली AC डबल डेकर थी साउथ इंडिया की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 22625 चेन्नई सेंट्रल टू बैंगलोर सिटी AC डबल डेकर एक्सप्रेस की। यहाँ पर एक तो मेन स्टेशन वो वाला दिखा है जो कि सामने में आपको नज़र आ रहा होगा, दिस वन, और एक ये भी है सब अर्बन टर्मिनल। हम लोग तो फिलहाल ये वाले में जा रहे हैं। डबल डेकर ट्रेन पूरा सजा हुआ है, थोड़ी हालत भी खस्ता हो गई है आई गेस, कुछ ज़्यादा ही यूज़ हुआ है इस साइड। ये वाला अपर डेक, दिस वन इज लोअर डेक, एंड यहाँ पर है मिडल डेक। तो टोटल यहाँ पर 3 तरह के डेक होते हैं डबल डेकर एक्सप्रेस में। एंड इसकी जो जर्नी होती है ना, वो भी काफ़ी खास होती है, काफ़ी कमाल की होती है, क्योंकि एक अलग सा एक्सपीरियंस आता है। नॉर्मल ट्रेन की हाइट के अकॉर्डिंग भी इस ट्रेन की हाइट थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो आपको ना अपर डेक से जो व्यू देखने को मिलता है बहुत ही कमाल का मिलता है, और लकीली हमें अपर डेक ही मिला है। दिस इज़ आवर कोच सिप्री। ये है ट्रेन का व्यू। मैं जाएगा। दिस वन इज आवर सीट, विंडो एंड आइल। एंड अभी तो हम लोग अपर डेक पर हैं। सामान वगैरह देने का, हर जगह रखने का जगह दिया गया है। मिडिल डेक में सामान रखने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलता है, अगर उस साइड नहीं हटे तो आप इधर से हटा सकते हो। इधर कुछ ऐसी सिटिंग है, मिडिल सिटिंग में जा रहे हैं हम लोग। लोअर डेक कुछ ऐसा है, 3x2 की सिटिंग है, एक साइड में 5, ऊपर में भी सेम ही है नो डाउट, बस यही है लोअर डेक कुछ ज़्यादा ही लो लगता है आपको। इस तरह के टोटल 10 कोच देखने को मिलेंगे, सारे के सारे डबल डेकर ही है। लास्ट टाइम जो मैंने किया था जयपुर वाली डबल डेकर, उसमें एक एक्स्ट्रा AC कोच भी लगा हुआ था, बट इसमें एग्जीक्यूटिव कोच जैसा कुछ भी नहीं है, ऑल टोटल डबल डेकर ही है। लोकोमोटिव दिखा देती हूँ आपको, लोकोमोटिव है WAP 7 इरोड का। नाउ टाइम इज 7:25 एंड ट्रेन इज डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई सेंट्रल। चेन्नई सेंट्रल से विजयवाड़ा जाने वाली जन शताब्दी है। सामने से भैया हमें हाय कर रहे हैं। दोनों गाड़ियाँ सेम ट्रैक पर, एक ट्रैक छोड़ रही है, दूसरी ट्रैक पकड़ रही है।
7:25 ही हो रहे हो और यार सामने धूप, इतनी धूप है ना कि पूरा पसीना आ रहा है। अभी सोचो कि और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, जैसे दोपहर होगा कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। इडली है, एक पीस वड़ा है एंड साथ में सांबर। मेंदू वड़ा का टेस्ट सही है, इवन स्पंजी भी है। साथ में यहाँ पर एक चटनी भी है, चटनी एंड इडली ट्राई करते हैं। स्पाइसी है। सिर्फ रेत। मैंने ऐसे नेट पर देखा था पोन्ने रिवर जैसे यहाँ लिखा हुआ है और नेट पर बहुधा रिवर ऐसे कुछ लिखा हुआ आ रहा था। आई गेस दोनों ही नाम से बुलाते हैं यहाँ पर इसे। नदी सूख सी गई है पूरी।
रिवर एंड काठपाड़ी जंक्शन दूसरा हॉल्ट. हम लोग अब यहाँ पहुँच रहे हैं. जंक्शन जो कि पड़ता है वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में और यार यहाँ का स्टेशन कोड है KPD. 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है. काठपाड़ी स्टेशन वेल्लोर का मेन स्टेशन है. अगर किसी को भी जैसे CMC वेल्लोर जाना हो इलाज करवाने के लिए तो फिर उनको इसी स्टेशन पर उतरना पड़ता है. कि अगर किसी घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जब भी आएँ तो काठपाड़ी आएँ, क्योंकि यार शुरुआत में जब होता है ना अगर किसी घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो समझ नहीं आता है कहाँ जाए कैसे क्या करे, तो देख लीजिए यही स्टेशन है, यहीं आना होता है. बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती है, वो लोग डायरेक्ट वेल्लोर स्टेशन सर्च करते हैं मेरी तरह, बट यार काठपाड़ी इज़ द मेन स्टेशन और ये ए कैटेगरी स्टेशन है वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट का. अभी फ़िलहाल में ओम का ब्लड कैंसर का इलाज पटना में चल रहा है. आप लोग पूछते रहते हो उसके बारे में, ओम के बारे में, तो इसलिए मैंने बता दिया. अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, 1 साल तो लगभग होने को चले उसके ट्रीटमेंट की. ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, 3 से 5 साल तो ऑब्वियसली चलेगा. डिपार्चर हो रहा है. स्टेशन काफ़ी अच्छा है काठपाड़ी का, नो डाउट. यहाँ मैंने लिया है कटलेट 30 रुपीस प्लेट. मिंट का टेस्ट है इसमें, मिंटी मिंटी लग रहा है. फर्स्ट टाइम मैंने साउथ इंडियन कटलेट ट्राई किया है. मेरे खाते खाते यहाँ पर आ चुका है स्टेशन वनियामवाड़ी. यहाँ का स्टेशन कोड है VN. यहाँ पर भी 2 मिनट का स्टॉपेज है, बट 2 मिनट पहले ही ट्रेन पहुँच चुकी है, तो अब लगभग 4 मिनट है आपसे बातें करने को. वनियामवाड़ी तमिलनाडु के लेदर एक्सपोर्ट्स हब्स में से एक है और साथ ही इंडिया में ये वनियामवाड़ी बिरयानी के लिए फेमस है. यार अभी तो मैं सारा कुछ ही सिर्फ साउथ का खा रही हूँ, आदत है नहीं, बहुत मिस कर रही हूँ घर का खाना, नॉर्थ इंडियन वो मसालेदार फूड, इट्स एन एवरीथिंग मिस कर रहे हूँ. बस मन कर रहा है फटाफट भागू और कुछ चटपटा सा खाऊं. यहाँ का फूड भी अच्छा है नो डाउट, पर सोते हैं कि आदत नहीं है, बहुत कुछ कुछ चीज़ें अलग सी है. जैसे मिंट मैं नहीं खाती, बट यहाँ पे मिंट डाला हुआ था. कटलेट वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडियन कटलेट. टाइम 10:10 हो गया और वनियामवाड़ी से डिपार्चर हो रहा है डबल डेकर एक्सप्रेस का.
2 मिनट का स्टॉपेज है और यहाँ पर गाड़ी 8 मिनट लगभग पहले पहुँची है। ये कौन सी गाड़ी क्रॉस कर रही है इधर से? चेन्नई सेंट्रल आई है। यहाँ का स्टेशन कोड है JTJ। यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है 5 और यहाँ की यार कोई खासियत तो मुझे पता नहीं है, तो अगर आप लोग यहाँ से हैं तो बताइएगा। फिलहाल आपको दिखा देती हूँ यहाँ का वॉश बेसिन एरिया। यहाँ पर एक छोटा सा मिरर है जो कि ऑब्वियसली क्लियर है। वॉश बेसिन भी काफ़ी सही है, साफ सफाई अच्छी है इस ट्रेन की। डस्टबिन है यहाँ पर, ये है फायर एक्सटिंग्यूज़र। दिखाते हैं आपको बाथरूम, बाथरूम भी क्लियर है, मिरर, वॉश बेसिन साफ, पानी आ रहा है एंड एक हैंड वॉश भी है। मैं हैंड वॉश भरा हुआ है, वरना कभी कभी होता है ना कि हैंड वॉश का खाली डब्बा रहता है बट भरा हुआ दिख रहा था। ट्रेन की साफ सफाई नो डाउट अच्छी है, बस जो विंडो है उससे आर पार आप देख नहीं सकते हो, काफ़ी गंदा हो चुका है, मतलब घिस गया है काफ़ी दिनों, यूज़ हो रहा है। तो बाहर के नज़ारों का मज़ा अगर आपको लेना है तो आपको गेट के पास ही खड़ा होना होगा। ये ट्रेन डिपार्ट हो गई यहाँ से। टाइम हो रहा है 10:30, ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है एग्जैक्टली ऑन टाइम। पीछे से ये जो पहाड़ियों का व्यू पूरे रास्ते देखते आए यार, बहुत सही नज़ारे हैं। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हो, अभी भैया जी ने मुझे बताया कि ये येल्लागिरी हिल्स है। पता नहीं मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रही हूँ या नहीं, क्योंकि इधर का प्रोनाउंसिएशन येल्लागिरी। ओके, इधर से भी पहाड़ियों का जो व्यू है ना ऑसम है, और साथ में नारियल का पेड़, बगल में जाता हुआ रोड और ट्रेन पर चलते हुए हम। टाइम इज 11:36 और हम लोग आ चुके हैं बंगाल पेट स्टेशन। यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है, लगभग 5-6 मिनट पहले ही आ चुके हैं। ये ट्रेन यार बहुत सही टाइमिंग में पहुँचा रही है हर जगह। ये स्टेशन कर्नाटका के कोलार डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और जाना जाता है राइस ट्रेडिंग के लिए। चाय How much? 5 rupees. 5 rupees? Then give 2. yeah. Thank you, Anna. देखिए बंगाल पेट में 5-5 रुपए की चाय मिली है ये भैया के यहाँ से। मतलब आज के ज़माने में जब 5 रुपए की चाय मिल जाती है ना, लिटरली स्ट्रेंज लगता है। कैन यू प्लीज़ ओपन द डोर? थैंक यू। ओए, टेक दिस। गेस करो कितने की है? गेस करो। 5 5।
चाय की क्वांटिटी देखो आप, पूरा कप भर कर। इतनी सही खुशबू आ रही थी ना कि मैं लेने चली गई, इसलिए पहले एक लेने का सोचा था, प्राइस सुना तो दो ले लिया। कैसी लगी चाय? बढ़िया है। मेरा चाय पीते पीते यहाँ से डिपार्चर हो गया। काफी नीचे से यहाँ पे दिखता है, मतलब ट्रैक्स वगैरह दिख जाएंगे क्लियरली। मुझे ऊपर से व्यूज ज्यादा पसंद है लोअर डेक के मुकाबले। बेचारा आदित्य मायूस होते हुए बाहर की तरफ देखने की कोशिश करते हुए, लेकिन बाहर आपको ऐसे है ही गीजी मिजी वाला नज़ारा दिखेगा, पूरा ब्लर ब्लर खराब हो गया है पूरा, बहुत ही बोरिंग बोरिंग सा हो गया, कुछ देख ही नहीं पा रहे बाहर। अभी कृष्णराजपुरम स्टेशन आया है, लगभग आधी ट्रेन यहीं पे खाली हो गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 है ये, यहाँ का स्टेशन कोड है KJM। 2 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पर, और यहाँ ट्रेन इसलिए खाली हुई है ना क्योंकि यहाँ से बेंगलोर सिटी मात्र 14 किलोमीटर ही दूर है, तो इसलिए जिसका भी घर यहाँ से नज़दीक है वो लोग उतर गए। स्टेशन कोड है BNC एंड यहाँ पर भी 2 मिनट का हॉल्ट रहता है। ये मेन बेंगलुरु सिटी स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन बेंगलुरु कैंट से निकल कर बढ़ रही है बेंगलुरु सिटी की ओर, यानी कि हमारे डेस्टिनेशन तक। पूरा कोच खाली हो गया है, सन्नाटा छा गया पूरे रास्ते। ये व्यू देख देख के ना मेरा जो मूड खराब हुआ है, बहुत 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 बुरा लगा यार। ये मेरी दूसरी डबल डेकर थी, पहली मैंने की थी जयपुर से न्यू दिल्ली वाली, अगर वो नहीं देखी हुई ना तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर से देखना। स्टेशन एंटर कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म इस साइड है बट उधर का खिड़की खराब है, एकमात्र यही खिड़की सही थी तो यहाँ से दिखा रहे हैं आपको। ये देखो ये कौन सी ट्रेन लगी हुई है, उदय एक्सप्रेस, ग्रेट। तो हम लोग आ चुके हैं KSR बैंगलोर, जिसका मतलब है क्रांतिवीर संगोली रायन्ना बेंगलुरु स्टेशन, विच इज़ आवर डेस्टिनेशन। और अब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए 358 किलोमीटर्स, लगभग 6 घंटे में हम लोग पहुंच गए बेंगलोर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, हमारी ये जो जर्नी थी डबल डेकर एक्सप्रेस से वो पसंद आई थी, और वीडियो को लाइक कीजिए, हर तरफ शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ अलग ट्रेन है, कुछ अलग सी जर्नी है। प्रीमियम ट्रेन तो एक तरफ होती है बट यार डबल डेकर का जो फील है ना वो अलग है। क्या आपने कभी डबल डेकर से जर्नी की है या नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट में बताइए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग जर्नीज मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।